हाँ देखिए दोस्तों, ये बहुत दिन के बाद एक अच्छी धूप आई हुई है इस समय, जो इस दिसंबर और जनवरी महीना का पहला बार है। और ये मेरा पैनल UTL का 6 पैनल सीरीज में लगा हुआ है। इसका VOC जो है 24.75 है, देख लीजिए 24. ये देखिए 24.37, किसी का ज़्यादा किसी का कम थोड़ा होता है। तो ये स्ट्रिंग में 6 पैनल है UTL का मोनो क्रिस्टलाइन, और ये है गोल्डी ग्रीन का 7 पैनल है। गोल्डी ग्रीन का 7 पैनल सीरीज में है, 150 वाट का। ये देखिए गोल्डी ग्रीन 150, 2015 से मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। ये 7 पैनल है इसका जो है, इसका एक पैनल का VOC है, ये देखिए एक पैनल का VOC है 22.5 वोल्ट। देखिए 22.5 वोल्ट, 8.70 एम्पियर एक पैनल का है। तो ये दोनों मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, दूसरी वाली ये स्ट्रिंग बना लिया मैंने, और दोनों को मैंने वाई कनेक्टर से, ये देखिए दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है आपस में, और सिंगल सप्लाई इधर से चली गई है MPPT के पास। चलिए अब मैं अपने MPPT पे लोड देता हूँ पूरा, और दिखाता हूँ कि कितना एम्पियर करंट आशा पावर 2500 हाई वोल्टेज इस समय कितना एम्पियर निकाल रहा है, कितना एम्पियर कितना वाट निकाल रहा है। चलिए नीचे चलते हैं, निकल रहा है। इस समय मेरा घर का नॉर्मल रोड चल रहा है, जो TV वगैरह चलता है वही चल रहा है। इस बार नॉर्मल रोड जो है इस समय चल रहा है, और मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पे, ये देखिए अभी लोड जो है 5.6.1 एम्पियर एब्जॉर्प्शन में चल रहा है, और सोलर वाट जो है 672 से भी चार्ज हो रहा है। किलोवाट 5. बैटरी किलोवाट है। टुडे अभी 2.2 यूनिट पैदा कर चुका है। देखिए आउटपुट को मैंने 228 पे लगाया। लोड अभी 6% 7% लोड चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर में पूरा लोड डाल रहा हूँ, देखिए मैं डाला, और इसके देखिए मैंने कोई ग्रिड कनेक्शन नहीं लगाया है। इसके पीछे में मैं दिखा देता हूँ कि ग्रिड कनेक्शन मैंने नहीं लगाया है। देखिए अभी ये देखिए, अब मैं पूरे लोड इस पर डालने जा रहा हूँ। देखिए मेरे घर का लोड जो है चल रहा है इस समय दिन का, ये देखिए इस समय दिन का 12:30 बज रहा है। एक नॉर्मल लोड जो होता है वो मेरा इस समय चल रहा है। देखिए इधर यह है मेरा हॉट वाटर केटली जो 1500 वाट का है, ये आप देख भी सकते हैं 1500 वाट का। ये देखिए अभी फोकस नहीं कर पा रहा है, ये ध्यान दीजिए, देखिए 1500 वाट का है। देखिए मैं इसको अब इसको ऑन करूँगा, उसके बाद देखते हैं कितना एम्पियर करंट जा रहा है। मैंने इसको देखिए ऑन कर दिया, ये देखिए केटली ऑन कर दिया, ये देखिए केटली ऑन हो गया 1500 वाट। मैंने इसको लोड दे दिया आशा पावर पे। इसके बाद देखिए मैं और भी कोई लाइटें हैं, ये रह गया मेरा वॉशिंग मशीन है अभी जो करीब 300-400 वाट खाता है, और बाकी चीज़ें हैं
ये देखिए घर की नॉर्मल लोडें चल रही हैं, आर ओ चल रहा है इसी। अब मैं चलते हैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस समय देखिए अभी क्या है, लोड 69 एम्पियर हो चुका है। देखिए लोड 69 एम्पियर, देखते रहिए अभी। देखिए 79% लोड है इसमें, देखिए 79% लोड है, एम्पियर 69 है, सोलर एम्पियर है। देखिए अभी मैं फिर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए 69% लोड है, सोलर से 51.7 एम्पियर आ रहा है सोलर से, यानी कि इसकी MPPT जो है वो 50 एम्पियर की है, लेकिन इस समय कितना दे रहा है, 51.7 एम्पियर दे रहा है। देखिए बैटरी से -17 एम्पियर अभी भी बैटरी से ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि इतनी अभी ऊर्जा नहीं बनी है कि ऊपर से सब का सब जो है ये सोलर से दे दे, अभी भी है, क्योंकि मैंने लोड डाल दिया है 1500 करीब 1800 जैसे लोड हमारा चल रहा है अभी घर का। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं है। बैटरी का वोल्ट देखिए 25 वोल्ट है बैटरी का इस समय, और देखिए एब्जॉर्प्शन में चल रहा है। बैटरी से वाट कितना माइनस हो रहा है, बैटरी वाट माइनस देखिए 425, यानी कि 1100-1200 सोलर से भी हमको मिल रहा है। सोलर पैनल से एम्पियर कितनी आ रही है, 11.1,